सर जमीने हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, आज एक खुशखबरी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ लेकर के पाताल मणि की खोज। और हमारे साथ हैं जनाब अब्दुल हलीम कुरैशी जी, जो कि हमारा पूरा साथ दे रहे हैं ये पाताल मणि खोदने में। तो दोस्तों, एक सूचना, विशेष सूचना ये है कि हर संडे, हर इतवार को आपको लाइव में दिखाया जाऊंगा, आपके सामने लाइव आऊंगा। समय है शाम 4 बजे से 5 बजे तक। अगर किसी भी भाई को कोई कमेंट करना है तो जरूर कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आपको अब मैं दिखाता हूँ कि कितनी मशक्कत से पाताल मणि खोदी जाती है। जी हाँ दोस्तों, न डर होता है सांप का, न डर होता है बिच्छू का, सिर्फ जज्बा होता है इंसानियत का, इंसान की जान बचाने का। ये देखिए जनाब अब्दुल हलीम साहब, आप जरा थोड़ा सा अपना चेहरा दर्शकों को दिखा दें। ये देखिए मेरे भाइयों, अब ये हमारे साथ में बतौर सहयोग के आए हुए हैं और ये पाताल मणि खोदने में लगे हुए हैं ताकि इंसानों की जान बचाई जा सके और इंसानियत को कायम रखा जा सके। तो दोस्तों, कितना भयानक जंगल, और देखिए किस प्रकार की जगह पर ये पाताल मणि मिल रही है। बहुत सारे हमारे भाइयों ने ये कमेंट किया है कि महोदय ये देखिए खनखजूरा, रुक जाइए जरा, ये चला गया। ये देखिए आपको कितना जहरीला खनखजूरा निकला है, और देखिएगा ये देखिए रुक जाना, ये देखिए खनखजूरों की किस तरीके से बरसात हो रही है, ये देख सकते हैं आप। इसको समाज सेवा करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा इसको नजदीक लाइएगा, ये देखिएगा ये जहरीले खनखजूर है मेरे भाइयों। अगर किसी को काट लें तो उनकी जान भी जा सकती है। लोगों को हंसी खेल ये लगता है कि जनाब क्या बनाते हैं, क्या दिखाते हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहुत ही कुर्बानियां देनी पड़ती है मेरे दोस्तों, बहुत ही कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको पाताल मणि की अच्छी तरीके से आज पहचान कराने वाला हूं। तो दोस्तों, आज हमारे हलीम भाई के साथ में आप जुड़े रहिएगा। वीडियो भले ही कुछ बड़ा बन जाए लेकिन उपत्याया मत कीजिएगा मेरे भाइयों। आपको सौगंध है कि आप इस देश की सेवा के लिए अपनी जान भी निछावर कर दें तो वो भी कम है मेरे भाइयों। हमारे फौजी भाई जिस तरीके से बॉर्डर पर लग करके इस देश की सेवा करते हैं उसी तरीके से आपको भी। ये देखिए दोस्तों, ये निकली है पाताल मणि की जड़, और इसके नीचे और भी खुदाई की जाएगी तो और आपको दिखेगी। ये देख लीजिएगा मेरे भाइयों, ये हलीम कुरैशी साहब ने ये अभी निकाली है और इसके नीचे बहुत सारी जड़ें निकलेंगी, देखिएगा। तो चलिए चलिए दोस्तों, आप याद रखिएगा कि हर संडे को मैं आपको लाइव आऊंगा समय 4 बजे से 5 बजे तक। तो मेरे भाइयों, ये आपने देखा पाताल मणि, और ये आप देख लीजिएगा ये पाताल मणि का पौधा। तो चलिए दोस्तों, अभी और किस तरीके से पाताल मणि निकाली जाती है ये आप देखते रहिएगा। जहां से खोदा है ना उसी के नीचे खोदते चले जाओ। ये देखिए मेरे भाइयों, अब आप क्या समझ रहे हैं कि इतना आसान होता है, बड़ी मुश्किल में होता है। चमन में दीदावर पैदा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। तो दोस्तों, सांप है कहाँ पे है, सांप छोटा है। तो देखिए इसमें सांप के बच्चे भी दोस्तों निकल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कोई भी अगर इस पाताल मणि को खोदने के लिए जाए, अब सांप का बच्चा तो मैं वीडियो में ले नहीं सकता हूं, नहीं तो दिखा भी देता, कोई भी अगर पाताल मणि को खोदने जाए तो अकेला मत जाए, वो अपने साथ एक दो लोगों को लेकर के जाए और अच्छे जानकार व्यक्ति को लेकर के जाए, क्योंकि इसमें इसके नीचे सांप निकलने की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, बहुत ज्यादा संभावना रहती है। जो अभी वो आपने जो खोदा है ना उसी के नीचे खोदना शुरू करो तो उसमें निकलेगी जड़। और तो दोस्तों देखते जाइएगा किस तरीके से इतनी मेहनत और मशक्कत करके आपकी सेवा में हाजिर होता हूं, और लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं। यहां पर सांप भी निकला है लेकिन निकल के एकदम से भाग गया है, मैं आपको दिखा नहीं सका। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं आपको पाताल मणि बहुत साफ साफ दिखाने वाला हूं। ये देखिए वो पौधा है पाताल मणि का, ये आप देख लीजिएगा मेरे भाइयों। एक विशेष सूचना के साथ कि हर इतवार को शाम 4 बजे आपके रूबरू लाइव आऊंगा ZRFZ के द्वारा, मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं मेरे दोस्तों। ये देख लीजिएगा ये किस तरीके से बड़ी मुश्किलों में जड़ निकाली जा रही हमारे हलीम भाई, मेरे हिसाब से देख लीजिएगा किस तरीके से। अब मैं लोग चाहूं, हम लोग चाहें तो इस दवा से लाखों रुपया कमा सकते हैं, लेकिन कभी नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं कि कफन में जेब नहीं होती और कब्र में ATM कार्ड नहीं चलता है। बहुत सारे लोगों ने यह कहा है कि डॉक्टर आरिफ साहब आप तो कितने बड़े मूर्ख हैं, आपने इतनी अच्छी सीक्रेट दवाई सारी दुनिया को दिखा दी और आप चाहते तो उसे करोड़ों रुपया पैदा कर लेते, लेकिन मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया है,
कि मेरे भाइयों कफन में जेब नहीं होती है और कब्र में एटीएम कार्ड नहीं चलता है, दौलत का हवस इंसान को पागल बना देता है। याद रखिएगा मेरे भाइयों, जिंदगी ख्वाहिशों का समंदर है, जब तक सांस दिल के अंदर है आपकी ख्वाहिशें पूरी हो नहीं सकती। एक ख्वाहिश पूरी होगी तो दूसरी ख्वाहिश आपको जकड़ लेगी। ये देखिए शायद इनके कांटा लग गया है, ये देखिए दोस्तों इनकी उंगली में कांटा लग गया है और ये फिर भी अपने जज्बातों को ना रोक करके, ये देखिए खुदाई चालू है, पाताल मणि की खुदाई चालू है। जी हाँ दोस्तों, ये देख लीजिएगा पाताल मणि की खुदाई चालू है। ये देखिएगा इस तरीके से जड़ें निकलती है पाताल मणि में। अब इसके नीचे बहुत सारी होगी दवाइयाँ, ये देखिए मेरे भाइयों, अभी मैं आपको और दिखाऊंगा। मैं लाइव बनाता हूँ, नो एडिटिंग नो चीटिंग, डायरेक्ट मेरे भाइयों आपसे मीटिंग। तो चलिए दोस्तों देखते रहे जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल, कितनी मुश्किल में बनता है ये, कितनी मेहनत करना पड़ती है आपको ये दिखलाने के लिए। आज मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ, पाताल मणि आखिर कैसे निकाली जाए। ये देखिए दोस्तों कितनी मशक्कत के बाद खोद रहे हैं, फौड़ा नहीं है इसलिए क्या कर सकते हैं, इसी से निकालने की कोशिश करिएगा। दिक्कत बहुत ही रही। हाँ दिक्कत तो होगी होगी दिक्कत, आप देख लीजिएगा मेरे भाइयों, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमारे हलीम भाई को दुआएं तो दे सकते हैं, जो आपके लिए इस समाज के लिए पाताल मणि कितनी मुश्किलों में खोदने आए हैं। अब क्या करूं मेरे भाइयों, मेरे पास फौड़ा नहीं है इसलिए ये इसी से काम चलाना पड़ता है। मेरे दोस्तों आपसे मेरी विनम्र गुजारिश है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी इस तरीके की समाज की सेवा करिएगा मेरे दोस्तों। और आप देखते रहें जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल, तो देख लीजिएगा दोस्तों किस तरीके से खुदाई हो रही है पाताल मणि की। और ये पाताल मणि को आपको फिर मैं और भी साफ साफ दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं इनको लाइव इसलिए इनके पास बना हूं ताकि कोई सांप बिच्छू ना निकल कर हमला कर दे। तो इसलिए जहां पर इसकी जड़ थी वहीं पर खुदाई करें महोदय। आप देख सकते हैं कितनी गहरी खुदाई करने के बाद कितनी सीरी कितनी जरा सी दवाई निकली है मेरे दोस्तों। आपको क्या लगता है कैसे दवाइयां, मुझसे लोग फोन करते हैं साहब मुझे दवाई पार्सल कर दीजिएगा, जो खर्चा होगा मैं दूंगा। अरे यार कोई मैं खर्चे के लिए थोड़ी बैठा हूँ, मैं खर्चे के लिए नहीं बैठा हूँ। ये देखिए दोस्तों, और चलिए दोस्तों जो खोदी गई दवा वो ये देख लीजिएगा, ये है पाताल मणि, असली पाताल मणि मेरे भाइयों, यही है वो पाताल मणि। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, अगर आपको समाज की सेवा करने का जज्बा है, याद रखना मेरे भाइयों, अगर किसी ने भी इस पाताल मणि के नाम पर एक भी रुपया लिया तो मैं हश्र के मैदान में उसका कॉलर पकड़ूंगा और कहूंगा कि मैंने तुम्हें इंसानों की सेवा करने के लिए बताया था, तुम्हें लूटने के लिए नहीं। याद रखना मौत बरहक है, कुल्लो नफ्सिन जाए कतुल मौत, मौत बरहक है मेरे दोस्तों। इसलिए आप देखते रहें जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों खोदने के बाद ये देखिएगा कि आपको ये निकली है पाताल मणि, इस तरीके इसकी पत्तियां होती हैं, ये देख लीजिए बड़े गौर से पहचानिएगा, ये है पाताल मणि और बड़ी ही मुश्किलों से इसको खोजा गया है। और इतना करने के बाद आपको दिखा दूं, ये दवा निकली है मेरे भाई, ये दवा निकली है साहब। तो इतना आसान नहीं है मेरे दोस्तों पाताल मणि या कोई भी किसी का धर्म कर्म का काम करना। देख लीजिएगा कितनी गहरी चोट भी लग गई है पाताल मणि को खोदते खोदते। तो चलिए दोस्तों ये रख लीजिएगा और एक दफा फिर आपको पहचाना दूं, ये है पाताल मणि, ये है पाताल मणि। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, हर संडे को शाम 4 बजे से 5 बजे तक मैं लाइव आता हूं, जरूर देखें। दिखाओ, ये देखिए दोस्तों ये है पत्ती। अब आपको और कैसे दिखा दूं यार,
चलिए दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ, खुदा हाफिज़।